बलोचिस्तान के रईस असलम रईसानी ऐसी शख्सियत हैं कि दुराने गुफ्तगु जहां पता चले दूसरा उनकी बात संजीदगी से ले रहा है, वो अपनी बात ही बदल लेते हैं। किसी की बात की परवाह नहीं करते, चाहते हैं आप उनकी बात की बेशक परवाह ना करें पर उस पर वाह जरूर करें। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, असलम रईसानी के अंदर का ये बच्चा हमेशा बाहर ही होता है। उनकी मौजूदगी में कोई दुखी नहीं रह सकता, वो तो किसी फौतगी पर भी चले जाएं तो उनका मूड होता है आज मुर्दे को हंसाकर ही जाऊंगा। असलम रईसानी साहब उन सियासतदानों में से हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है सियासत भी फनूने लतीफा ही है। मखसूस अंदाज से बोलते ही नहीं, चुप भी मखसूस अंदाज से होते हैं। किसी पर एहसान भी करें तो यूं जाहिर करेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया है एहसान नहीं किया है। डीले डाले असलम रईसानी दूसरों पर फिक्रा चुस्त करते रहते हैं। एक बार बिलावल भुट्टो को देख कर कहा, इतना खुश वही बंदा रह सकता है जिसकी बीवी ना हो। जब वजीर आला थे तो बड़े शायरों के शेर भी मरम्मत कर दिया करते थे। ये उन्हीं का शेर है, हर एक महकमे पे मैं हूँ छाया हुआ, चीफ मिनिस्टर हूँ मुस्तनद है मेरा फरमाया। 2019 में नवाब असलम रईसानी ने फिलासफी समझने के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तब से उनके प्रोफेसर फिलासफी छोड़कर नवाब रईसानी को समझने में लगे हुए हैं। नवाब साहब को हैवी बाइक्स चलाने का बहुत शौक है। फरमाते हैं, हैवी बाइक्स और 10 साल बाद बीवी, दोनों को काबू करना एक साथ। वाह वाह, बाइक फिर भी काबू आ जाती है। अलबत्ता हैवी बाइक को रोकने के लिए ब्रेक होती है। कोई उनको कहे कि नवाब साहब मुझे असलम रईसानी पर भरोसा है तो कहेंगे तुम्हें होगा, मुझे तो नहीं है। हर वक्त खुद को बरकरार रखते हैं, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जब सीएम थे तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते वक्त भी किसी को पता नहीं होता था कि वो कतरे बच्चों को पिलाएंगे या खुद पिएंगे। उनकी हरकतों से लगता है चीनियों ने टिकटॉक उन्हें ही देखकर इन्वेंट की। इतनी मुतहर्रक शख्सियत के एक जगह बैठे हुए भी साकन नहीं होते, वो खुद चलती फिरती पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी हैं। यही नहीं, उन्होंने खुद को अपनी यूनिवर्सिटी से खुद को डिग्री दे दी। किसी ने कहा ये जाली डिग्री है तो तारीखी जुमला कहा, डिग्री होती है, असली हो ये जाली। उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने कहा, इल्ज़ाम तो उस पर लगना चाहिए जो सियासतदान होकर भी करप्शन नहीं करते। अंडों के रेट बढ़े तो बोले, ये इसलिए महंगे हुए हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी से नहीं ऑपरेशन से आ रहे हैं। जब वजीर आला थे तो किसी ने पूछा, आपने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने वो किया जो किसी सीएम ने नहीं किया। पूछा क्या किया? बोले, मैं खुद सीएम हाउस में पिस्तौल लगाकर बैठता। हमें शुरू से ही शक था कि मौलाना फजल रहमान को लतीफे बहुत पसंद हैं। जब से असलम रईसानी साहब ने JUIFA में शमूलियत इख्तियार की है, इसका यकीन हो गया। असलम रईसानी साहब को बलूचिस्तान की सियासत में वही मकाम हासिल है जो अक़्वामे मुत्तहिदा को है, और अक़्वामे मुत्तहिदा वो जगह है जहाँ मसला दो छोटे मुल्कों का हो तो मसला गायब, छोटे और बड़े मुल्क का मसला हो तो छोटा मुल्क गायब, और अगर मसला दो बड़े मुल्कों का हो तो अक़्वामे मुत्तहिदा गायब।